जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर सेफ इंडिया बिदरुन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुलिस आरक्षी पद पे जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की जो मैंने आपको पूरा बताया था उसके संबंध में, और अभी जो है मैं अगली जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जो पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं उनमें से अब जो ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाने हैं वो अब 7 दिनों के अंदर, आज से ही आप जोड़ लीजिए, 7 दिनों के अंदर सिपाहियों की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है 11 फरवरी 2024 को आपका 11 फरवरी 11/2/2024 को आपका फाइनली एग्ज़ाम होना है, जिसमें कि जनपद जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको जो है निर्धारित हो चुके हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज मिला के जो है 20 ऐसे कॉलेज चुने गए हैं जिनमें जो है 20 ऐसे डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज चुने गए हैं जिसमें कम से कम अभ्यर्थियों की 9,000 प्लस बैठकर परीक्षा देने की कैपेसिटी होगी। और भी जो है काफ़ी, जिसका नोटिफिकेशन देख लीजिए आप, मैंने इसमें डाल दिया है एग्ज़ाम की जो डेट है उसका, ठीक है। इतने लोगों की परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित हो गया है। परीक्षा ऑफलाइन होगी, सबसे पहली बात है, ये एक ट्रांसपेरेंट बात है, ये बहुत अच्छा ही है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। और नंबर 4 जो आपको पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि जिन स्कूलों डिग्री कॉलेजों में 9,000 से अधिक लोग होंगे तो उसके लिए भी व्यवस्था एक्स्ट्रा की जा रही है। और या कोई स्कूल अगर क्षतिग्रस्त है तो मेरे सामने ही कुछ रिपेयरिंग के काम चल रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि आप अब इस समय जोश से पूरा भर जाइए, इसलिए क्योंकि जो छोटे मोटे ट्रिक्स हैं नाप तौल में या मेडिकल्स में या किसी भी चीज़ में, तो मैं वो आपको ट्रिक्स देता रहूँगा जिससे कि आपको किसी भी चीज़ में मात नहीं खानी पड़ेगी और मात खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पिछले वाले मेरे जो वैकेंसीज आई थी, 9,534 वैकेंसी दरोगा की आई थी, उनमें मैंने आपका पीछा ज्वाइनिंग तक नहीं छोड़ा था, और इस बार भी मैं आपको ज्वाइनिंग तक नहीं छोड़ूंगा और ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताता रहूँगा, ऐसे ऐसे आपको जो है दौड़ने में, सीना फुलाने में या नाप तौल डॉक्टरी में, जो डॉक्टरी होती है उसके बारे में तो शॉर्ट्स बनाता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी जो बात आपको बतानी थी वो ये है कि जो परीक्षा पुलिस आरक्षी की होगी वो प्रथम पाली में ऑल स्टेट में समाप्त कर दी जाएगी। जब एक पहला शिफ्ट दिया जाएगा उस शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा शिफ्ट या अगली डेट नहीं दी जाएगी। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक ही बार में सारा सिस्टम जो है शट आउट हो जाएगा और बार बार आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छी, क्योंकि प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। अभी आप मेडिकल देंगे, मेडिकल के जब आप लिखित में करेंगे उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, फिर जो है मेडिकल के बाद आपको शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी, तो उसके बारे में भी मुझे बताना ज़रूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है मुझे फॉलो करें और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।